हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के एमसीक्यू टाइप के 10 इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हु डेवलप्ड द एटम बम? परमाणु बम को किसने विकसित किया? ऑप्शंस हैं ए वार्नर वॉन ब्रॉन, सी बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सी एडवर्ड टेलर या डी सैमुअल कोहेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लीडर थे लॉस एल्मोस न्यू मैक्सिको में। उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्लड इज ए एन, रक्त है एक। ऑप्शन है ए कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, बी एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक, सी बोथ ऑफ द अबव ऊपर के दोनों या डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स आर कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एंड ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि सबको पता है कि ब्लड ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है क्योंकि इट हैज मैट्रिक्स। नाउ व्हाट्स मैट्रिक्स? लिविंग सेल टाइप्स आर रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ब्लड का फ्लूइड पोर्शन या मैट्रिक्स जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शंस हैं ए सेल्युलोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज या डी सुक्रोज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेल्युलोज। मोस्टली प्लांट सेल वॉल और पादप कोशिका भित्ति सेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज, पेक्टीन और प्रोटीन से बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर इसलिए है ए सेल्युलोज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द बर्नौलीज थ्योरम इज, बर्नौली का प्रमेय है या सिद्धांत है। ऑप्शंस हैं ए एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण, बी मास कंजर्वेशन जन संरक्षण, सी बोथ ऑफ दीज ये दोनों या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण। बर्नौलीज थ्योरम विच वॉज डिराइव्ड इन 1738 बाय स्विस मैथमेटिशियन डेनियल बर्नौली स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मूविंग एयर और फ्लोइंग फ्लूइड इज अकम्प्लाइंड बाय द डिक्रीज इन एयर और फ्लूइड्स प्रेशर और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड फ्लो इज स्टेडी इरेशनल एंड फ्रिक्शनलेस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच एटमोस्फेरिक लेयर? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में मौजूद है? ऑप्शंस हैं ए लिथोस्फेयर स्थल मंडल, बी आयनोस्फेयर आयन मंडल, सी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल या डी बायोस्फेयर जैव मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। ओजोन लेयर O3 स्ट्रेटोस्फेयर में है जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है उन्हें एब्जॉर्व करके। और हम सबको पता है कि देयर आर 5 डिफरेंट लेयर्स अराउंड द अर्थ जिनमें है ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व। ऑप्शंस हैं ए प्लैटिनम, बी डायमंड हीरा, सी ऑग्नेसन या डी लैंथेनाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डायमंड यानी हीरा। द हार्डेस्ट प्योर एलिमेंट इज कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 16 इज नेम्ड एज, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या 16 का नाम है। ऑप्शंस हैं ए सी फैमिली यानी कार्बन फैमिली, बी बी फैमिली, सी एन फैमिली या डी ओ फैमिली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ओ फैमिली यानी ऑक्सीजन फैमिली।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एनर्जी इन द फूड कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शंस हैं ए केल्विन, बी जूल, सी कैलोरी या डी सेल्सियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कैलोरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू पोरिंग और पासिंग द वॉटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने या गुजरने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? ऑप्शंस हैं ए मीथेन, बी इथेन, सी एथिलीन या डी एसिटिलीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एसिटिलीन। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय, गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं ए रोंटगन, बी हेनरी वेकुवरेल, सी पॉल विलार्ड या डी रदरफोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पॉल विलार्ड। 1900 में पॉल विलार्ड ने गामा रेज को डिस्कवर किया व्हाइल स्टडिंग रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम रेडियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग टिल वी मीट नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।